जता तवि कलर जल प्रहा पावि दथले कले वनम विनमिता मुदंग तुम्ब मालिका नम दम दमन दिलात पत पाव के ईश्वर चंद्र शेखर रति पति शनम नम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में हम शिव जी के मंदिर में पहुंचे हैं जहां पर भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए लंबी ताता लगी हुई है। ऐसे में अभी हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहोगे, पूजा करने आए हो? शिव तांडव जता तवि कलर जल प्रहा पावि दथले कले वनम विनमिता मुदंग तुम्ब मालिका नम दम दमन दिलात पत पाव के ईश्वर चंद्र शेखर रति पति शनम नम। कहाँ से सीखा इतना और कैसे याद रहा इतना शिव तांडव पूरा? पापा सिखाए। अच्छा, पापा ने सिखाया। कैसे याद हुआ इतने छोटे से उम्र में इसको सारा शिव तांडव पूरे अच्छे से याद है? इसके पापा सिखाए हैं, हम इसके नाना हैं। अच्छा। तो ये अभी गाता या फिर मतलब बचपन से ही भक्ति वक्ति में? मोबाइल से देख करके अपने निकाल लेता है और सुनते सुनते इसको याद है। सुनते सुनते पूरा याद? पूरा याद है, पूरा याद है। कुछ याद है आपको? बता दो। कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवानी चेतम नमामि। क्या बात है, क्या बात है। भोलेनाथ का दर्शन किए? गायत्री मंत्र बोल दो। गायत्री मंत्र भी आती है? ओम भूर्भुव स्वः तस्मै, ओम भूर्भुव स्वः तस्मै। अच्छा, भोलेनाथ का दर्शन हुआ या नहीं हुआ? भगवान शिव जी का दर्शन कर लिया? बोलो। हाँ। अच्छा, आपने कर लिया? हाँ हाँ, हम लोग। हाँ हाँ। लंबी ताता लगी हुई है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। कितने श्रद्धालु अभी तक पहुँचे हैं? अभी तक लगभग सुबह 4 बजे मंदिर खुल गया था। हम तो यहाँ के कर्ता धरता हैं। आज लगभग 23 वर्षों से यह मंदिर महामृत्युंजय पाठ, तो यहाँ लगभग मैं समझता हूँ कि अभी तक 10,000 लोग जल चढ़ा चुके हैं। 4 बजे से 10,000 लोग आ चुके हैं? जी हाँ, आप देख सकते हैं भीड़ की जो स्थिति है। लोग को श्रद्धा विश्वास है यहाँ मंदिर पर, इसलिए लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और लोग को मनोकामना भी लगभग पूरा होता है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। अच्छा, जो मुरादे लेके श्रद्धालु आते हैं उनकी मुरादें पूरी की जाती है? लगभग भोलेनाथ सबको देखते हुए लगभग सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि है आज, तो कुछ विशेष कार्य भी किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ गाना बजाना का कार्यक्रम होगा। अच्छा। तो देखिए, इतने सारे लोग अभी आने हैं, शाम में क्या कुछ कार्यक्रम होना है ये बताया है इन्होंने। श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कब से यहाँ पे लाइन में लगे हुए? अभी 5 मिनट पहले से। भोलेनाथ के दर्शन के लिए? हाँ। आप बताइएगा क्या? बहुत अच्छा, मन खुश है, बस बस बहुत बहुत। यहाँ पे आंटी भी है, क्या कुछ कर रही हैं आंटी? शिव जी का पूजा अर्चना हो गया? हाँ, पूजा हो गया बाबू। मनोकामना पूरा करते हैं भोले बाबा, माने देव में देव महादेव हैं। हम लोग दम अर्पित कर देते हैं अपना शरीर। आज का दिन यानी बहुत खास है? हाँ जी, आज के दिन बहुत खास दिन है बाबू। शाम में भी कुछ कर रही हैं? हाँ जी, सिंगार होगा, पूजा पाठ होगा, फलहार हम लोग रहेंगे। तो आज आप लोग उपवास में हैं जी? अच्छा, ये बताइए कि उपवास क्यों करते हैं? भोले बाबा का शादी हुआ है, आज उनका शादी के सालगिरह भी है, तो मनाते हैं हम लोग। पूजा करने आई है दादी? हाँ। पूजा करने आई है? हाँ, पूजा करे बनी। अच्छा, ये बताइए शिवरात्रि का क्या कुछ महत्व है? महात्मा है, शंकर जी के दया है, तुमको दया करेगा शंकर जी, तुमको भलाई करेगा, तुम आगा बढ़ेगी, आगा ब्याह शादी होगा तुम्हारा, आगा बढ़ेगी, तुम्हारा के वंश देगा, और क्या बढ़िया है। उपवास भी रखी है? हाँ। उपवास में है? नहीं, हम वहाँ है बक्सर रहते हैं। बक्सर से आप आई? हाँ, बक्सर से आते हैं। उपवास में भी है जी? उपवास क्यों करती है? क्योंकि बहुत श्रद्धा है महाकाल से, हर हर महादेव से, जो भी मनोकामना है पूरा हो जाता है, बहुत श्रद्धा है उनमें। आप भी उपवास? हाँ जी। क्या
महत्व है शिवरात्रि का ये बताइए। बहुत महत्व है, खास करके हिंदू परमेश शिवरात्रि को बहुत मानते हैं लोग हमेशा से। एक छोटी बच्ची भी हमारे साथ है, पूजा करने पहुंची है। हाँ आप बताइएगा, पूजा करने पहुंची है, कब से यहाँ पे खड़ी है? अभी आए हैं। कब से आप कर रही हैं चाची? हम बहुत पहले से कर रहे हैं, उपवास में भी है। हाँ अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि शिवरात्रि का क्या कुछ महत्व है। तो शिवरात्रि व्रत करते हैं, बहुत श्रद्धा शौक से करते हैं। हाँ, को प्रसन्न करने करने के लिए, अपना सुहा का रक्षा के लिए करते हैं। देखिए हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है, लोग श्रद्धा के साथ आज महाशिवरात्रि के अवसर पर उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से जो कुछ भी मुरादें होती है वो उन्हें पूर्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी के लिए यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं का तांता देख सकते हैं हमारे पीछे की तांता लगा हुआ है। भारी मात्रा में श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए श्रद्धालुओं में खुशी साफ तौर पर दिख रहा है, लंबी तांता लगी हुई है, भारी मात्रा में श्रद्धालु मंदिर में पहुँचे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं, भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए यहाँ लंबी तांता लगी हुई है। और श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना, पंडित जी क्या कुछ कह रहे थे। वही एक बच्चे भी मिले जिन्होंने एक बहुत अच्छा शिव तांडव गाया, गायत्री मंत्र गाया और भी क्या कुछ था वो आपने देखा। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही, क्या कुछ होता है, क्या कुछ कार्यक्रम शाम में होता है ये बताते हैं आपको अगली अपडेट में। फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।